नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी। मैं हूं आपके साथ कांची बंसल। दिल्ली में घर घर राशन योजना पर केंद्र और केजरीवाल के बीच टकराव बढ़ता ही जा रहा है। पहले केजरीवाल ने केंद्र पर इस योजना को रोकने का आरोप लगाया, तो वहीं बीजेपी ने इस योजना पर ही सवाल खड़े कर दिए। ये रिपोर्ट देखिए। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल जिस दिन से सीएम बने हैं, उसी दिन से केजरीवाल केंद्र सरकार पर काम ना करने के आरोप लगाते रहते हैं। लेकिन अब ये केजरीवाल की आदत में शुमार हो गया है। दिल्ली के अंदर एक फ्री के मॉडल को लेकर केजरीवाल दिल्ली के लोगों से वोट मांगते हैं और फिर पूरे 5 साल केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हैं कि सरकार उन्हें काम नहीं करने दे रही है। ताजा मामला है घर घर राशन योजना को लेकर। केजरीवाल की ओर से कहा गया है कि पीएम मोदी दिल्ली में राशन की योजना लागू नहीं होने दे रहे हैं। केजरीवाल ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि दिल्ली में राशन की डोरस्टेप डिलीवरी योजना के लागू होने से ठीक 2 दिन पहले केंद्र सरकार ने इसे रोक दिया। उनका दावा है कि हमने मंजूरी नहीं ली, जबकि हमने एक बार नहीं बल्कि 5 बार मंजूरी ली। कानूनी तौर पर हमें केंद्र की मंजूरी की जरूरत नहीं है, लेकिन हमने शिष्टाचार के चलते ऐसा किया। बीजेपी की ओर से मीनाक्षी लेखी ने इस योजना पर ही सवाल खड़े कर दिए। बीजेपी सांसद ने कहा कि वन नेशन वन राशन कार्ड को अभी तक दिल्ली सरकार ने लागू नहीं किया है। लगातार ये भ्रम फैलाना कि केंद्र सरकार लागू नहीं करने दे रही, झूठ है। दिल्ली जैसे शहर में 2000 दुकानें हैं। व्यवस्था ठीक करने की बजाय ये असलियत में कुछ बिचौलिए खड़ा करना चाह रहे हैं। केंद्र सरकार से खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत आए अनाज को बिचौलियों को दिया जाएगा और ये सामान किसे बटेगा या नहीं बटेगा किसी को पता नहीं है। केंद्र सरकार पर बोझ बढ़ता रहेगा और सामानों की कालाबाजारी होती रहेगी। वहीं इस मुद्दे पर सीएम केजरीवाल पूरी तरह से घिरते दिखाई दे रहे हैं। केजरीवाल पर बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने भी निशाना साधते हुए कहा कि केजरीवाल जी ने आज बात रखी है कि मोदी जी दिल्ली की गरीब जनता को उनके अधिकार से वंचित रख रहे हैं और घर घर राशन रोकने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं है। मोदी जी नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट और पीएम गरीब कल्याण योजना द्वारा दिल्ली के जरूरतमंदों को राशन पहुंचा रहे हैं। केजरीवाल जी इस ड्रामे को बंद कीजिए। राशन उचित व्यक्ति तक पहुँच रहा है कि नहीं, ये कैसे पता चलेगा? हमें मालूम ही नहीं होगा कि राशन किसको दिया जा रहा है। मैं तो कहूंगा कि घोटाला होते होते रुक गया। केजरीवाल राशन को डाइवर्ट करना चाहते थे, वह बहुत बड़ा घोटाला करना चाहते थे। वहीं आम आदमी पार्टी और केजरीवाल की ओर से कहा गया है कि राशन माफिया के तार बहुत ऊपर तक जुड़े हैं। राशन माफिया को खत्म करने के लिए दिल्ली सरकार घर घर राशन पहुँचाने की स्कीम लागू करना चाहती है। दिल्ली में ये योजना अगले हफ्ते से लागू होने वाली थी। ये योजना लागू हो जाती तो राशन माफिया खत्म हो जाता। योजना लागू होने से ठीक 1 हफ्ते पहले इसे खारिज करवा दिया गया। एक और जहां दिल्ली में राशन माफिया को खत्म करने की बात केजरीवाल करते हैं, वहीं अब कौन से राशन माफिया की बात केजरीवाल कर रहे हैं? अपने आप को दिल्ली का मालिक बताने वाले सीएम केजरीवाल आरोप लगाने में माहिर खिलाड़ी हैं। कोरोना को संभालने में केजरीवाल और उनकी सरकार पूरी तरह से फेल रही है। वहीं अब राशन योजना के नाम पर भी केजरीवाल दिल्ली की जनता को गुमराह कर रहे हैं। अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।